स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएस ट्यूटोरियल्स। आज हम ईवीएस के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप जानते होंगे कि सीटेट और टेट के एग्ज़ाम्स में पांच पार्ट आते हैं, जिसमें से एक पार्ट ईवीएस भी है और ये पार्ट काफ़ी स्कोरिंग भी है। तो आज के जो मेरे नोट्स हैं वो क्लास फिफ्थ की एनसीईआरटी बुक से बनाए गए हैं और इसमें से काफ़ी सारे आपको जो है क्वेश्चंस सीटेट के लिए आराम से मिल जाएंगे। की क्लास फिफ्थ की बुक में 22 चैप्टर्स हैं और हम जो चैप्टर अभी शुरू करने जा रहे हैं वो है 20वां चैप्टर, किसके जंगल। किसके जंगल चैप्टर में झारखंड के बारे में, झारखंड के आदिवासी जनजाति के बारे में बताया गया है। चैप्टर के शुरुआत में बताया गया है कि झारखंड के कुछ बच्चे पोटलियाँ लेकर जंगल में जाते हैं और अपनी कुड़ुक भाषा में गीत गाते हैं। तो ये जो कुड़ुक भाषा है वो वहाँ के आदिवासी जनजाति की अपनी भाषा है। अच्छी घटना पे आधारित है। इस पार्ट में सूरमणि नाम की एक आदिवासी लड़की के बारे में बताया गया है कि सूरमणि एक गर्ल स्टार है। गर्ल स्टार से मतलब है चमकता सितारा। ये उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियाँ हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल ली। तो सूरमणि के परिवार के बारे में भी थोड़ा सा इस पाठ में बताया गया है कि वो उनका परिवार खेती करता था और जंगल से जड़ी बूटी इकट्ठा करके बेचता था, पर वहाँ पे एक ठेकेदार आने के कारण उनका ये काम रुक गया और वहाँ पे कोई बुधिया माई नाम की महिला थी, वो ठेकेदार से नहीं डरती थी और कहती थी कि जंगल हमारा साझा बैंक है। साझा बैंक से यहाँ मतलब ये है कि वो लोग जंगल से उतना ही फ़ायदा उठाते हैं जितना उनको काम है, उसका बर्बादी नहीं करते हैं। तो आगे के पार्ट में ये बताया गया है कि सूर्यमणि ने अपनी पढ़ाई पूरी की और उनकी पहचान वास्त्री दीदी से हुई जो पत्रकार थी, और उनके साथ मिलकर सूर्यमणि ने झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन में भाग लिया और 21 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने वास्वी दीदी और अन्य लोगों के साथ मिलकर एक केंद्र खोला है जिसका नाम है तोरांग। तोरांग कुड़ुक भाषा में उसका मतलब होता है जंगल। तोरांग केंद्र में जड़ी बूटी की समझ, बांस से चीज़ें बनाना, गाना बजाना और आदिवासी समाज की कुछ किताबें रखी गई हैं। अधिकार कानून 2007, ये कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। इस कानून के अंतर्गत ये है कि जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। अब है उड़ीसा बंगाल की खाड़ी के किनारे पर है और मैंने और भी अन्य राज्य इसमें नोट कर लिया है जो किसी न किसी समुद्र के किनारे पर है, वो है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। और केंद्र शासित प्रदेश में है दमन और दीव और पुडुचेरी। सबसे ज़्यादा घने जंगल मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में मिलते हैं। अब उसमें मिजोरम के बारे में भी थोड़ा सा जिक्र है। मिजोरम में बांस के कप का इस्तेमाल होता है और वहाँ पे ज़मीन को साझा मानकर सब लोग उस पर बारी बारी खेती करते हैं। मतलब और ये डिसाइड ऐसे होता है कि वहाँ पे लॉटरी निकलती है, जिस परिवार का नाम पहले निकलता है वो उस ज़मीन पे पहले खेती करता है और इसी तरह खेती होती रहती है। वहाँ पे ज़मीन नापने का तरीका टीन है। एक टीन बीज जितनी ज़मीन में बोते हैं उससे एक टीन ज़मीन बोलते हैं। अगर दो टीन बीज किसी ज़मीन पे उगाया जा रहा है तो वो दो टीन ज़मीन हो जाती है। मिजोरम में झूम खेती होती है। झूम खेती में एक फसल काटने के बाद ज़मीन में कुछ साल खेती नहीं करते। इस जगह जो बांस या जंगल उगाते हैं उसे उखाड़ते नहीं, बस गिराकर जला देते हैं। ये खाद का काम करता है और ज़मीन को जोता नहीं जाता, बस हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बोए जाते हैं। मिजोरम का मुख्य फसल चावल है। चिराव नाच, फसल पकने के बाद गांव में त्यौहार मनाया जाता है। चिराव नाच उसी त्यौहार में किया जाता है। इस चिराव नाच में ज़मीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है और ढोल की ताल पर डंडियों को ज़मीन पर पीटते हैं। डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं। मिजोरम में 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हैं। तो दोस्तों, ये हमारा पार्ट 20 था। अब हम आते हैं पार्ट
22 पे, वो है फिर चला काफिला। इसमें महाराष्ट्र के एक गांव के बारे में बताया गया है। बताया गया है कि वहाँ पूरण पोली खाई जाती है, जो चने की दाल की मीठी रोटियाँ होती हैं और साथ में उनकी तीखी कढ़ी खाई जाती है। इसमें मुकादम के बारे में बताया गया है कि मुकादम कर्ज वसूलने वाला होता है। वो वहाँ महाराष्ट्र के गांव में ऐसा है कि दशहरे से पहले तो जो छोटे मोटे किसान होते हैं वो किसी बड़े किसान की ज़मीन पर काम करके अपना खर्चा चला लेते हैं, पर बरसात ना होने के कारण 6 महीने बाद यानी कि दशहरे के बाद उनके पास कोई काम नहीं रहता। तो ये जो मुकादम होते हैं वो ठेकेदार होते हैं, वो दलाल होते हैं, तो वो उन लोगों को एक जगह ले जा कर के किसी शक्कर की कारखाने में काम दिला देते हैं। तो यही मुकादम होते हैं और उनसे जो पैसा बचता है उन्हीं से उनका खर्चा चलता है। तो ये कारखाने के बाहर जो किसान होते हैं वो अपनी झोपड़ियाँ गन्ने के सूखे पत्तों और रस निकले गन्नों से बनाते हैं। अब है पार्ट 21, किसकी झलक किसकी छाप। तो इसमें परिवार के सदस्यों के कुछ गुण आपस में मिलते हैं। बहुत सी चीज़ें जैसे बुनाई, भाषा, संगीत या पढ़ने का शौक़ हम आसानी से पा लेते हैं जब हमें उसका माहौल मिलता है। और इसमें पोलियो के बारे में है कि पोलियो माँ बाप से बच्चों में नहीं जाता, वो जीवाणु से फैलता है। ग्रेगोर मेंडल का मटर का प्रयोग के बारे में बताया गया है कि ग्रेगोर मेंडल का जन्म गरीब किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने 7 साल तक मठ के बगीचे में 28,000 पौधों पर प्रयोग किया। उन्होंने जो पाया वो इस प्रकार है कि बीज का चिकना या खुरदुरा होना, बीज का पीला या हरा होना, पौधे के तनक का लंबा या नाटा होना। तो बीज का चिकना या खुरदुरा होने का मतलब ये है कि अगर एक पीढ़ी के बीज चिकने हैं या फिर खुरदुरे हैं तो अगली पीढ़ी के बीज या तो चिकने होंगे या तो खुरदुरे होंगे, दोनों नहीं होंगे। बीज अगर पीला है या हरा है तो अगले पीढ़ी के बीज या तो पीले होंगे या तो हरे होंगे, नए रंग का बीज नहीं बनता। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं बाकी के चैप्टर्स डिस्कस करूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, इसे लाइक करिए और शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा सके, इससे मदद ले सके और सीटेट में अच्छा स्कोर कर सकें। थैंक यू।